शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या कर रहे आप लोग? सवेरे मेरे कराटे क्लास है ना? दो दो लड़कियों के साथ डांस करोगे तो ऐसा ही होगा। नंदिता अच्छी है, सुमो के लिए कैसी रहेगी? इंटरेस्टेड है वो? तुम कहो तो बात करूं मैं। कुछ ज्यादा है ना नंदिता? जी। तुम क्यों दूर भागती रहती हो मुझसे? उस रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया मैं। न जाने किस बेहोशी में क्या कुछ कर बैठा, कैसे कैसे ख्याल आते रहे मन में कि जिसकी रक्षा की उसी के साथ। प्लीज ऐसा मत कहिए, जो कुछ भी हुआ उसकी मैं भी उतनी ही जिम्मेदार थी। जानती हो, मैं जब भी मुगलसराय स्टेशन से गुजरा प्लेटफॉर्म की भीड़ में तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, तुम बिना कुछ बोले क्यों चली गई? जानती कि ऐसा कुछ होगा तो बिना बात किए नहीं जाती। उस रात ऐसा लगा कि एक साथ कई जीवन जी लिए मैंने। अब तक यकीन नहीं आता कि वो सच था या सपना। कई बार दिल में आया कि तुम्हें उठाऊं, तुमसे बातें करूं, लेकिन डर लगता था कहीं मेरा सपना टूट ना जाए। स्टेशन पर गाड़ी लगते ही मैं चुपचाप तुम्हारी यादों को समेटे उतर गई। पूरे एक साल बाद घर लौट रही थी मैं, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई थी। बाबूजी बहुत खुश थे, बनारसी जरी का अच्छा कारोबार था हमारा। अरे लाखों में क्या हमारी बिटिया, माँ बाप दोनों का प्यार दिया हमने इसे। श्यामलाल जी खुशकिस्मत होंगे वो लोग जिनके घर हमारी बिटिया जाएगी। भाई कुंडली में तो कोई बाधा नहीं। हमारा राहुल इसी महीने लंदन से आ रहा है, हम कहते हैं ब्याह का दिन पक्का करो जी। माघ पंचमी का उत्तम लगन है। Oh!
अचानक पैरों के नीचे धरती खिसकने लगी। अक्सर दिल करता कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारी तलाश में निकल पड़ूं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। पर लगता कि अगर तुम मिल भी गए तो क्या कहूंगी तुमसे, कहीं तुमने मेरा विश्वास नहीं किया तो। अरे काक के में रह गया था हमारे प्यार में बेटी, जो हमको ही सजा दिए तुम। अरे बोलती काहे नहीं कि कौन है इस पाप का जिम्मेदार? बोल बेटी बोल, हम उसका पांव पकड़कर तुमको अपना लेने का भीख मांग लूं, बोल। मैं नहीं जानती बहुजी, मैं सचमुच नहीं जानती। तुम हमको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े। ठीक ही तो कह रहे हैं बेटी, अगर तू उसका नाम भी नहीं जानती तो कहे से अपने पेट में पाल रही है। देख पहाड़ जैसा जीवन है तेरा, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सुध ले। देखिए एबॉर्शन का परमिशन मैं कभी नहीं दूंगी। सारे टेस्ट और एग्जामिनेशंस के बाद कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। आई एम सॉरी माई डियर, इसका जन्म सिर्फ ईश्वर ही रोक सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। बस अब एक ही रास्ता बाकी रह गया, अजीब हालात थे। इधर नेहा पेट में बढ़ती रही और मैं तुम्हारे बारे में सोचती रही हर पल। कहाँ थे तुम, मेरे साथ क्यों नहीं थे तुम? न जाने क्यों आस लगी रहती थी कि पता नहीं कहीं से भी अचानक एक दिन आ जाओगे शायद। नहीं नंदिता, नंदिता हिम्मत से काम लो बेटी, हिम्मत से काम लो। नहीं नहीं, नहीं। हाँ बस बेटी है, दिखाओ ना वो, दिखाओ ना कैसी है वो। नहीं गंगा, कह दो उससे वादा किया था बच्चे का मुंह नहीं देखेगी। गाड़ी तैयार है, तुम दिल्ली से सीधा बनारस चले आना। अपनी बच्ची का मुंह भी नहीं देख पाई मैं। बाऊजी ने फिर से मेरी शादी करने की कोशिश की। अमेरिका में सेटल हुए तो बच्चों के बाप के साथ बात पक्की भी हो गई, लेकिन मैं अपने आप को मना नहीं सकी। ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, 5 साल से वहीं थी कि अचानक बाऊजी के मरने की खबर मिली। वापस लौटी तो बहुत से रहा नहीं गया। उसी ने मुझे नेहा के अनाथ आश्रम का पता बताया। बड़ी मुश्किल से मैंने उस अनाथ आश्रम के क्लर्क का दिल जीता और उसी ने मुझे तुम्हारा पता बताया। इतना सब कुछ तुम अकेली? अकेली कहाँ थी मैं, तुम तो मेरे साथ हमेशा थे। और ईश्वर का खेल देखो, जब मैं नेहा से बिछड़ गई तो तुम उसे मिल गए। फिर भी बहुत कुछ सहा है तुमने और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका। अब और क्या चाहिए मुझे, सच अब मैं सुख से लौट सकती हूँ। मैं कविता को सब कुछ बता देना चाहता हूँ। प्लीज ऐसा मत करना, हमारे तुम्हारे रिश्ते को कोई समझ नहीं सकता, खास करके एक पत्नी अपने पति को बांट नहीं सकती। कविता एक अच्छी पत्नी है और माँ भी, मैं उसे दुख नहीं देना चाहती।
नंदिता, मैं कुछ नहीं कर सका तुम्हारे लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारी जगह मिलनी चाहिए। आनंद, करके रहे थे तुम? प्लीज कूल डाउन, मैं सब कुछ बताता हूँ। क्या बताओगी तुम? तुम करके रहते हो उस औरत के साथ? कविता प्लीज सुनो, तुम सोच भी नहीं सकती कितना दुख सहा है नंदिता ने। ओह, तो तुम उस औरत को अपनी बाहों में लेकर उसका दुख तक चूम रहे थे? मैं सब कुछ भी नहीं कर रहा था कविता, तुम समझ। यू थिंक आई एम ब्लाइंड? अंधी हूं मैं? बेवकूफ हूं कि इतने दिन से देख नहीं सकती थी? बहुत अच्छा डांस करती है वो, और तुम सारी दुनिया के सामने उसके साथ, वो आनंद यूं पैरिक। कविता प्लीज। Nothing doing। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले तो उस औरत को घर से निकालती हूँ। I want that bitch out of this house। नंदिता चली जाएगी, लेकिन इस तरह नहीं। तो किस तरह? इज्जत के साथ। इसलिए कि वो नेहा की माँ है, और इसलिए भी कि मैं नेहा का बाप हूं। What? तुम्हारा मतलब 6 साल से संबंध रखे तुमने उस औरत के साथ? विश्वास करो कविता, हम इस बीच कभी नहीं मिले। ओ शट अप आनंद, बहुत हो गया, बस और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। कविता प्लीज। ओ शट अप यू, मेरे पेटू में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गेट आउट। मम्मी, मम्मी बहुत बुरा सपना देखा, प्लीज मैं आपके साथ सोऊं, प्लीज मैं आपके साथ सोऊं। मम्मी प्लीज, हाँ कर दो मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी बहुत बुरा सपना देखा, मैं प्लीज आपके साथ सो, प्लीज मैं आपके साथ सो। दिस इज इट, बहुत हो चुका, वो तो इस घर से जाएगी नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। क्या कर रही हो कविता, समझने की कोशिश करो, वो एक भूल थी जो हो गई। प्लीज जान, हम सॉरी, प्लीज। कविता सुनो तो। कविता, कविता, कविता क्या हुआ? आनंद सोफे से। सुनो प्लीज, चलो। पर आनंद क्या हुआ? कविता, कविता रुको, कविता रुको, तो कविता मेरी बात तो सुनो। बात क्या है कविता, आखिर हुआ क्या कविता?